अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हकीम शाह नज़ीर है और आप देख रहे हैं हकीम शाह नज़ीर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हकीम शाह नज़ीर है और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब पे। और इस वक्त आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी मैं बता रहा हूँ जो कि डायबिटिक पेशेंट के हाथ पाँव सुन हो रहे होते हैं और उन्हें कमज़ोरी भी फील हो रही होती है, चाहे वो मर्द हों या लेडीज़ हों, दोनों के लिए। ये चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। इसके अलावा हाथ पाँव सुन होने के साथ साथ जिस्म टूट रहा होता है और कमर में टांगों में दर्द भी फील होता है, और जिनसी जिस्मानी आसाबी कमज़ोरी होती है, मायूसी होती है, बेरगबती होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये तीन चीज़ें इस्तेमाल करें, ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको जिरयान और इतलाम भी रहता है, ये उसे भी ख़त्म करेगी। इसमें टोटली तीन चीज़ें हैं। एक है ये है जड़ कोंच लेना है आपने 100 ग्राम। ये है सत्तावर, ये भी लेना है 100 ग्राम। ये है सफ़ेद मूसली, ये भी 100 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, एक कप दूध या पानी के साथ कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें। इंशाल्लाह मुझे नमाज़ पढ़ेंगे, दुआएं देंगे, ये ज़कावत हिस्स को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा जहन में ख्याल आने से कच्चा दांत आता उसे भी दूर करती है, जिरयान इतलाम को भी दूर करती है, जिंसी और जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करती है। इंशाल्लाह आप उठ खड़े होंगे, चलते फिरते रहेंगे। ये 18 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई मुज़र सेहत नहीं है, आम चीज़ है, ये नुकसानदेह चीज़ नहीं। आँख बंद करके यूज़ कीजिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि उन मजबूर लोगों तक ये वीडियो जाए, ताकि वो भी बना के इस्तेमाल करें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। कहीं से भी ख़रीदें, 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें, चीज़ अच्छी लें। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। और अगर कोई भी बूटी आप लोगों को ओरिजिनल नहीं मिल रही हो, होम डिलीवरी भी करते हैं। इस लाइव को आगे भी शेयर कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। हकीम शाह नज़ीर यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना भी ख्याल रखिए, अपने गिर देने वाले लोगों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह पाक को लाते गम से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़।